हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट सीएसई में। इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। दिस इज अ नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। दैट मींस एक बार अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो गया तो जब तक वो अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं कर लेती है तब तक वो प्रोसेस अपना सीपीयू किसी भी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट नहीं करने वाली है। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर एग्जांपल। सपोज आई एम हैविंग थ्री प्रोसेसेस जिनका सभी का अराइवल टाइम क्या है, जीरो। अराइवल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब वो प्रोसेस रेडी क्यू में लग जाती है, राइट। तो हमारे पास रेडी क्यू में कितनी प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, जिन तीनों का अराइवल टाइम क्या है, सेम है। तो हम प्रोसेस के नेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको हम पहले रेडी क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने P1 को लगाया, देन P2, देन P3। जो भी रेडी क्यू के फ्रंट एंड पे होगी उस प्रोसेस को हम सबसे पहले शेड्यूल करेंगे, राइट। तो सबसे पहले प्रोसेस नंबर P1 आती है, जीरो यूनिट ऑफ टाइम पे, राइट। उसको कितना बर्स्ट टाइम लग रहा है, मतलब कि उसको प्रोसेस होने में इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम लग रहा है, 5। तो जीरो में आपने 5 ऐड किया तो आपके सामने आंसर आया 5, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू से आप पिक करेंगे P2। P2 प्रोसेस आई, P2 प्रोसेस का आप चेक कीजिए बर्स्ट टाइम कितना है, 4। तो हम इस 5 में 4 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट प्रोसेस आप रेडी क्यू से पिक करेंगे जो कि है P3, जिसको कितना लग रहा है टाइम, 1 यूनिट का। तो हम प्रोसेस नंबर P3 को लगा देंगे, राइट, और 9 में 1 ऐड किया तो आंसर हो गया आपके सामने 10। सो दिस इज द गैंट चार्ट। नाउ कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। प्रोसेस नंबर P1 कब कंप्लीट हुई है, 5 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 5। प्रोसेस नंबर P2 कंप्लीट हो रही है 9 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो इसका हो गया 9। P3 कंप्लीट हो रही है 10 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो यहाँ पे लिख दिया 10, राइट। अब होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 5। अराइवल तो सभी का 0 है, तो जो कंप्लीशन टाइम है वही आपका क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम। तो ये हो गया 5, 9 एंड 10, टोटल की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 24, राइट। सो टोटल टर्न अराउंड टाइम हो गया आपके पास 24। नाउ वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम का डिफरेंस, राइट। तो टर्न अराउंड टाइम है 5, बर्स्ट टाइम है 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आंसर आ गया 0। 9 माइनस 4 हो गया 5, 10 माइनस 1 हो गया 9। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 9 प्लस 5 हो गया 14, राइट। अब रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोसेस को सीपीयू कब एलोकेट किया है उसमें से आपको अराइवल टाइम को माइनस करना होता है। तो चेक कीजिए, प्रोसेस नंबर P1 को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला 0 यूनिट ऑफ टाइम पे और उसमें से अराइवल टाइम 0 को आपने माइनस किया तो आंसर आ गया 0। प्रोसेस नंबर P2 को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला 5 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा। प्रोसेस नंबर P3 को 9 यूनिट ऑफ टाइम पे मिला, 9 माइनस 0 आपने किया तो आंसर आ गया 9। तो रिस्पॉन्स टाइम की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 14, राइट। नाउ अब एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल टर्न अराउंड टाइम बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू कितनी है, टोटल की वैल्यू आ रही है 24। 24 बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी गिवन है, 3। तो 24 बाय 3 आप जैसे ही करेंगे तो आंसर हो गया 8, राइट। वेटिंग टाइम, सो टोटल वेटिंग टाइम कितना है आपके पास, टोटल वेटिंग टाइम इज 14। 14 बाय 3 किया, 4.66 ऐसा आता जाएगा, राइट। टोटल रिस्पॉन्स टाइम भी अगेन कितना हो गया, 14 बाय 3 मतलब कि 4.66, राइट। थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है आपकी 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है, 10। 3 बाय 10 मतलब कि थ्रूपुट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.3, राइट। और सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है बिजी टाइम बाय टोटल टाइम, कितने टाइम तक सीपीयू बिजी रहा, 10 यूनिट ऑफ टाइम तक सीपीयू बिजी था, और टोटल टाइम भी कितना लगा है 10। तो 10 बाय 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 100%। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम विदाउट अराइवल टाइम, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद अराइवल टाइम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ do like, share and subscribe my channel. Thank you.